नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तो चलिए बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरों के बारे में जानते हैं। खबरों की ओर रुख करने से पहले आपसे अनुरोध है कि अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही वीडियो अगर अच्छी लगे तो एक लाइक अवश्य करें और साथ ही घंटे वाले बटन को जरूर दबाएं ताकि कोई भी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। सरकार ने निकाली बम्पर बहाली, इस विभाग में 3800 लोगों को मिलेगा रोजगार। बिहार सरकार के भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री रामसूरत राय ने बड़ा ऐलान किया है जिसके तहत मार्च में 3800 राजस्व कर्मचारियों की बहाली होगी। इसके लिए जोरों शोरों से तैयारियां शुरू कर दी गई है। जिन नए लोगों की बहाली होगी उनको पहले ट्रेनिंग दी जाएगी और बाद में उनको हल्की जिम्मेदारी दी जाएगी। नए कर्मचारी तकनीकी रूप से निपुण होंगे। रामसूरत राय ने यह भूमि सुधार की प्रमंडलीय बैठक में इस बात का ऐलान किया है। मंत्री ने कहा कि अभी विभाग में सभी संसाधनों की कमी है जिस वजह से दाखिल खारिज समेत भूमि संबंधी काम की प्रक्रिया काफ़ी धीमी है। इसके साथ ही विभाग में कार्यरत कर्मी भी पूरी तरह निपुण नहीं है। मंत्री रामसूरत राय ने ऑनलाइन दाखिल खारिज के दौरान आवेदन रिजेक्ट कर देने के सवाल पर उन्होंने कहा कि ऐसी शिकायत मिल रही है, इससे सुधार के लिए डीएम व एडीएम स्तर के अधिकारी को खुद रिजेक्टेड आवेदन की जांच करने को कहा गया है। बेवजह आवेदन रिजेक्ट करने वाले कर्मियों व पदाधिकारियों पर सख्त कार्रवाई होगी। सरकारी जमीन व सैरात पर अतिक्रमण के मामले में मंत्री ने कहा कि रिवीजन सर्वे का काम चल रहा है, यह सरकार की प्राथमिकता में से एक है। जल्द ही मुजफ्फरपुर समेत शेष 18 जिलों में सर्वे का काम शुरू होगा, इसके लिए तैयारी चल रही है। सीएम नीतीश के जिले में खुली नल जल योजना की पोल, उद्घाटन के 24 घंटे के भीतर पानी की टंकी ध्वस्त। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट 7 निश्चय योजना की कलई खुलने लगी है। ताज़ा मामला नालंदा जिले का है जहां नल जल योजना की पोल खुल गई। उद्घाटन के 24 घंटे के भीतर पानी की टंकी ध्वस्त होकर जमीन पर गिर गई और उसका पानी सड़क पर बह गया। स्थानीय जनप्रतिनिधि 2 नंबर का माल यानी कि खराब सामान लगाने का आरोप लगा रहे हैं। घटना नालंदा जिले के सिला प्रखंड का है जहां पाकी गांव में बनाई गई नल जल योजना की पानी की टंकी टूटकर जमीन पर गिर गई। बताया जा रहा है कि उद्घाटन के 24 घंटे के भीतर नल जल योजना का ये हाल मुख्यमंत्री के जिले में हुआ है। स्थानीय लोगों की माने तो इस पानी टंकी का निर्माण काफी दिनों से कराया जा रहा था। सोमवार को इसके ऊपर पानी का टंकी रखा गया और सुबह में जैसे ही इसमें पानी भरना शुरू किया तो अचानक टंकी समेत टावर टूटकर गिर गया जिससे आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। इस मामले में पंचायत के मुखिया कांति देवी ने बताया कि हमारे द्वारा राशि की भुगतान कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि वार्ड संख्या 11 में 18 लाख की लागत से नल जल योजना का काम कराया जा रहा था मगर काम में अनियमितता बरती गई जिसके कारण यह हादसा हुआ है। नीतीश कैबिनेट की बैठक खत्म, 13 एजेंडों पर लगी मुहर। मुख्य सचिवालय में चल रहे नीतीश कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई। बैठक में कुल 13 एजेंडों पर मुहर लगी है। सरकार में अब जिला और अनुमंडलीय अस्पतालों में लोगों को शुद्ध और पोषक भोजन मुहैया कराने का फैसला किया गया है। अस्पताल में अब जीविका दीदी की रसोई चलाएंगी। अस्पतालों में इलाज कराने वाले मरीजों को मुफ्त भोजन सरकार की तरफ से मुहैया कराया जाएगा। नीतीश कैबिनेट की इस अहम बैठक में यह बड़ा फैसला लिया गया है कि सरकारी अस्पतालों में लोगों को अब शुद्ध और पोषक भोजन मुहैया कराया जाएगा ताकि वो किसी भी बीमारी से लड़ने में सक्षम हो सके। सबसे खास बात यह है कि यह जिम्मा अब जीविका दीदियों को दिया गया है, वो दीदी की रसोई चलाएंगी। पटना हाईकोर्ट ने जज को किया सस्पेंड, हत्याकांड के अभियुक्त को जमानत देना पड़ा महंगा, रद्द करने की नोटिस। हत्याकांड के अभियुक्त को जमानत देना बिहार के एक जज को महंगा पड़ गया। विवादास्पद रूप से जमानत देने के इस मामले में पटना हाईकोर्ट ने मोतिहारी के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी यानी कि CJM सुधीर कुमार सिन्हा को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। अब इस मामले में कोर्ट ने आगे सुनवाई करते हुए जमानत लेने वाले अभियुक्त को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार सिंह की एकलपीठ ने इस मामले पर स्वतः दायर हुई क्रिमिनल रिवीजन मामले की सुनवाई करते हुए हत्याकांड के अभियुक्त शाहिद रजा की जमानत को रद्द करने के सिलसिले में नोटिस जारी करने का निर्देश दिया। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की तरफ से APP अजय मिश्रा ने कोर्ट को बताया कि मोतिहारी के तत्कालीन CJM ने जमानत आदेश पारित करते हुए गंभीर गलतियां की है। CJM ने शाहिद को जमानत देने का आधार अन्य अभियुक्तों को स्वीकृति बयान को बनाया है।
पटना में बर्ड फ्लू की दस्तक, मरा हुआ कौवा मिलने से हड़कंप। पटना में कोरोना के बाद अब बर्ड फ्लू का भी संकट मंडराने लगा है। जल बोर्ड के कैंपस में आज एक कौवा मरा हुआ पाया गया है, जिसके बाद बोर्ड के कर्मचारियों ने बर्ड फ्लू के संकेत दिए हैं। मामले की जानकारी पशुपालन विभाग को दे दी गई है। हालांकि अब तक जांच कोई कर्मचारी जांच के लिए मौके पर नहीं पहुंचे हैं। जी हां, आपको बता दें कि देश में अब तक 9 राज्यों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो गई है। नया राज्य उत्तर प्रदेश है, जहां कानपुर के चिड़ियाघर में मरे पक्षियों के सैंपल पॉजिटिव आने से लखनऊ तक हड़कंप है। इसके अलावा दिल्ली और महाराष्ट्र में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। इससे पहले मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और केरल में बर्ड फ्लू के मामले सामने आ चुके हैं। सुरक्षा के बीच सीरम से निकला कोरोना वैक्सीन का पहला खेप, आज आएगा बिहार। कोरोना संकट के बीच 16 जनवरी से देश में टीका लगाया जाएगा। इसको लेकर आज पहली बार सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के पुणे स्थित संस्थान से कोरोना के कोविशील्ड वैक्सीन का पहला खेप निकला है। यह दवा आज दोपहर तक पटना एयरपोर्ट आएगा। सीरम से आज सुबह में ही कोरोना वैक्सीन को 3 AC कंटेनर से खेप निकला, इससे पुणे एयरपोर्ट पहुंचाया गया। यहां से 8 फ्लाइटों से कोरोना वैक्सीन को 13 स्थानों पर भेजा जाएगा। पहली फ्लाइट दिल्ली एयरपोर्ट के लिए रवाना होगी। दिल्ली से वैक्सीन को देश के अलग अलग हिस्सों में भेजा जाएगा। कोरोना वैक्सीन आज दोपहर में पटना एयरपोर्ट आएगा। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे वहां पर मौजूद रहेंगे। इस वैक्सीन को विमान से लाया जाएगा, फिर यहां से विशेष वाहन से NMCH भेजा जाएगा। इस दौरान सुरक्षा के कड़े प्रबंध रहेगा। किस रूट से गाड़ी को लाया जाएगा वह पहले से ही तय कर लिया गया है। कोरोना वैक्सीन देने के लिए पटना जिले के 36,587 स्वास्थ्य कर्मियों का डेटा तैयार कर लिया गया है। सभी को पटना के 16 सेंटरों पर वैक्सीन दी जाएगी। PT के दौरान सेंटर पर हुआ था हंगामा, अब 850 परीक्षार्थियों को फिर से परीक्षा लेगा BPSC। बिहार लोक सेवा आयोग की 66वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा को लेकर बड़ा फैसला लिया है। आयोग ने औरंगाबाद के BBET इंडो पब्लिक स्कूल खैराखेरी सेंटर के 850 परीक्षार्थियों की परीक्षा दोबारा लेने का निर्णय लिया है। हालांकि अभी इसके लिए कोई डेट तय नहीं किया गया है। आयोग के इस निर्णय के बाद इस सेंटर पर फिर से परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। बता दें कि बीते 27 दिसंबर को राज्य भर में BPSC की प्री परीक्षा का आयोजन हुआ था। 27 दिसंबर को प्रदेश में आयोजित किए गए इस परीक्षा में औरंगाबाद का एक सेंटर BL इंडो एंग्लियन पब्लिक स्कूल रामपुर टोला धनहरा काफ़ी चर्चे में रहा। यहां के परीक्षार्थियों ने प्रश्न पत्र लीक होने के बाद पर बवाल काटा था। इस दौरान परीक्षा सेंटर पर काफ़ी हंगामा फैल गया था, जिसके बाद BPSC ने जांच टीम का गठन किया था और अब जांच रिपोर्ट के बाद पाया कि प्रश्न पत्र लीक की खबर आधारहीन थी। कुछ छात्रों ने भ्रम की स्थिति पैदा किया था, जिसके कारण परीक्षा बाधित हुई थी। अब आयोग ने उन उपद्रवी छात्रों की पहचान करेगी और उन्हें कठोर दंड देगी। बगहा में आग लगने से 6 घर जलकर राख, लाखों रुपए की संपत्ति का नुकसान। इस वक्त एक बड़ी खबर बगहा से सामने आ रही है, जहां भीषण आगलगी में आधा दर्जन घर जलकर राख हो गए। आगलगी की इस घटना से इलाके में अफरा तफरी मच गई। अग्निशमन की गाड़ियां आग पर काबू पाने की कोशिश में जुटी हुई है, लेकिन लाखों रुपए के सामान जलकर राख हो गए। घटना पश्चिमी चंपारण जिले के बगहा की है, जहां शास्त्री नगर मोहल्ला में आग लगने से 6 घर जलकर राख हो गए। आगलगी की इस घटना से इलाके में अफरा-तफरी मच गई है। हालांकि फायर ब्रिगेड की टीम ग्रामीणों के सहयोग से आग पर काबू पाने की कोशिश में जुटी हुई है। इस भीषण आगलगी की घटना को लेकर जानकारी मिली है कि आखिरकार आग कैसे लगी, अब तक इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। हालांकि लाखों रुपए की संपत्ति का नुकसान होने की बात पीड़ितों की ओर से कही जा रही है। डिप्टी CM के जनता दरबार में पहुंचे उनकी रिश्तेदार, कहा मौसा से आए हूं स्कूल में एडमिशन के लिए पैरवी कराने। डिप्टी CM तारकिशोर प्रसाद के जनता दरबार में कई लोग पहुंचे, उनमें एक उनकी रिश्तेदार भी पहुंची हुई थी। वह अपनी बेटी के नामांकन एक स्कूल में कराना चाहती थी। एक महिला जनता दरबार में पहुंची और बताया कि तारकिशोर प्रसाद उनके मौसा हैं। वह अपनी बेटी के नामांकन कराने के लिए आई है। वह चाहती है कि बेटी का एक स्कूल में एडमिशन हो जाए। तारकिशोर प्रसाद के जनता दरबार में कई जगहों से लोग पहुंचे हुए थे। लोग अपनी अपनी समस्याओं को बता रहे थे। कुछ लोग अपनी समस्या को आवेदन के माध्यम से दे रहे थे। इस दौरान तारकिशोर प्रसाद सभी को भरोसा दे रहे थे, उनका आवेदन पर अधिकारी संज्ञान लेंगे। एक बुजुर्ग ने आरोप लगाया कि इंदिरा आवास के नाम पर अधिकारी पैसा मांग रहे हैं, वह खुद विकलांग है।
दौड़ते दौड़ते परेशान है लेकिन अधिकारी सुन नहीं रहे हैं, पैसे की डिमांड कर रहे हैं। ऐसे में तारकिशोर प्रसाद ने उनसे लिखित में शिकायत देने को कहा। डिप्टी सीएम ने भरोसा दिया कि वह इसकी जांच कराएंगे। अब बात करते हैं राज्य में कोरोना अपडेट की, तो बिहार में मिले कोरोना के 344 नए मरीज। राज्य में पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 257,335। बिहार में कोरोना संक्रमण की रफ्तार अब धीमी हो गई है, लेकिन इसके बावजूद भी हर रोज हजारों की संख्या में पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से ताज़ा अपडेट जारी की गई है। इस अपडेट के मुताबिक बिहार में 344 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 257,335 हो गई है। बिहार में फिलहाल 4,251 कोरोना के एक्टिव मरीज हैं। राजधानी पटना में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। राजधानी पटना में एक बार फिर से सबसे ज्यादा 135 नए मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी नियमित अपडेट के मुताबिक पिछले 24 घंटे के भीतर 5 व्यक्ति की मौत हुई है। इसके साथ ही राज्य में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 1,439 हो गया है। बिहार के लोगों के लिए खुशी की बात तो यह है कि महज 24 घंटे के भीतर 378 कोरोना मरीज स्वस्थ हुए हैं। इसके साथ ही ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 2.5 लाख के करीब हो गई है। राज्य में अब तक कुल 251,644 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। तो आज की सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद।